कमलाखा देवपुर कहते हूँ मेरा नाम। मैं आसाम का एमएलए हूँ, एल ए 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरा। मैं थर्ड टाइम एमएलए हूँ। अभी 2011 में पहले जीता था, फिर 16 में और 21 में कॉन्जिक्यूटिव 3 टाइम्स मैं एमएलए होके आया हूँ आसाम से। और ये मेरा गर्व है, सौभाग्य है आज यहाँ पे आने का मकसद मिला हमको। मैं 3 बार एमएलए होके आया है। एक बात है, पहले बार जब एमएलए हुआ था तो वहाँ पे थम्स अप बूट मिला था हमको, बहुत सारा बूट मिला था। लेकिन सेकेंड टाइम जब एमएलए हुआ था, ये मेरा नहीं है, ये पूरे इंडिया के एक ही बात है। फर्स्ट टाइम जब एमएलए हो गए आप होंगे तो आपके ऊपर लोगों का बहुत आशा होगा, बहुत सारे ये होगा, ये लोग ये तो कुछ कर सकता है, हमको नौकरी मिलेगा, ये मिलेगा। हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट, सबका मन तो हम नहीं रख सकते हैं ना। तो थिंक इज दैट सेकेंड टाइम ये बहुत सारा चैलेंज आ जाता है। तो थिंक इज दैट सेकेंड टाइम जब मैंने इलेक्शन जीता तो 468 वोटों से मैं इलेक्शन जीता। फिर थर्ड टाइम और भी वोट मतलब इंक्रीज हो गया, 9000 वोट हो गया। तो थिंक इज दैट लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आज थर्ड टाइम एमएलए होकर आया हूँ और बहुत सारा काम हुआ है। और काम मतलब एक बात है, काम बहुत सारा हुआ है और भी काम करने का बाकी है। ऐसा नहीं है काम सब खत्म हो गया, काम तो चलता ही रहेगा। लेकिन काम जब चलता रहेगा उस पर प्रायोरिटी देना है, किस काम करने से आपको देश का अच्छा होगा, डिस्ट्रिक्ट का अच्छा होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का अच्छा होगा, लोगों का अच्छा होगा। जिस राजनीति में लोगों का अच्छा नहीं होगा वो राजनीति का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हमारा सबका सबसे मेरा एक ही बात है, मतलब हमारा जितने हम एमएलए हैं, जितने लेजिस्लेटर हैं, हम तो आइन बनाते हैं, वी आर लॉ मेकर। और बात है कि लोगों के अच्छे के लिए और आदमी के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए अगर हम जी दौर के काम करेंगे तो आने वाले दिन में लगता है। और ये जो आपका जो ये जो माहौल आज जो क्रिएट हुआ है, ये जो नेशनल लेजिस्लेचर काउंसिल बोल के ये प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है, तो ये प्रोग्राम बहुत सुदूर प्रसारी होगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, सबके साथ इंटरेक्शन होगा। और हमारे जो विचार जो है, ऐसे तो हम लोग असेंबली में बोलते रहते, हर असेंबली में बोलते रहते, असेंबली में बोलते हैं, हमारे जो रूलिंग पार्टी है, मिनिस्टर लोग हमको आंसर देता है, लेकिन अल्टीमेटली काम नहीं होता है। जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं होता है। हम बोलते रहते हैं लेकिन जो काम होना था वो काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो माहौल क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे बोलने से मेरा लगता है पूरे देश में एक आवाज़ आएगा। और आवाज़ ऐसा आना है, आदमी लोगों के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, देश का जो अच्छा हो इसके लिए अगर हम सब काम करेंगे तो देश का अच्छा होगा। देखिए, मैं तब 32 ईयर्स था मेरा, फर्स्ट टाइम जब मैं इलेक्शन जीता, छोटा सा लड़का था मैं, कॉलेज का जीएस था, फिर बीपी होके गया, पर पहले मैं बॉयज़ कम्युनिटी में सेक्रेटरी था। तो कंजर्वेटिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया, फिर यूथ पॉलिटिक्स में आ गया था। आई थिंक वन ऑफ आवर मिनिस्टर गौतम रॉय, उन्होंने मेरा साथ दिया है, मुझको टिकट मिला है। टिकट मिलने के बाद मैंने बात यह कि अगर आप आदमी लोगों के लिए काम करोगे तो उसका फीडबैक अच्छा है। तो मेरा दादाजी, पिताजी, कोई फोर फादर कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई पॉलिटिक्स के बारे में खुशी का जान पहचान नहीं है। मैं तो चला आया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चला आया। और जब मेरा जब टिकट मुझको मिला, आई एम फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, टिकट जब मिला तो लोगों के बीच में छोटा बहुत काम करता था। सुबह जब उठता था तो आदमी लोग आता था मेरे पास, मैं एकदम आदमी के लोगों के बीच में चला जाता था, आपका क्या काम है, ये काम, छोटा छोटा काम। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे मेरा अगेंस्ट में जो था भाजपा का विधायक था, वो 4 बार का विधायक है, तो उन्होंने सोचा था ये छोटा लड़का है, उसको टिकट मिला है वो कैसे सकेगा, 4 बार की बहुत बड़ा रथी महारथी आकर नहीं सका है, ये छोटा लड़का कैसे था। लेकिन मैं ये जो छोटा काम कर आदमी लोगों के जो बीच में चला गया था उनको भी मालूम नहीं था। इसलिए मैं पहले बार मैं 17000 वोटों से मैं जीता था, मतदान से जीता था। तो इसलिए मेरा मानना है अगर आदमी लोगों के आप दिल जान से काम करोगे, छोटा छोटा काम, आदमी लोगों का छोटा छोटा जो इशू है इसके ऊपर अगर ध्यान दोगे, अगर उसका ऊपर फोकस ज़्यादा हो, ऐसा नहीं जब मैं बोल दिया कुछ स्टेटमेंट दे दिया मेरा काम हो गया, आपका भी होगा टीवी में आ गया, पेपर में आ गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली अगर आदमी लोगों के लिए आपका मतलब अंदर में कुछ फीलिंग्स है, अगर ये वास्तविक रूप से आपका काम होगा, अगर काम करो करने लायक आप ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हो, तो अल्टीमेटली
जो पहले बार जो इलेक्शन लिया है मैंने 17,000 वोटों से जीता है, और मेरा लगता है इस बार मैं थर्ड टाइम MLA हो गया हूँ। थर्ड टाइम MLA होने के बाद ऐसा लगता है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है मेरा, ये जो समष्टि जो है, सभी लोगों के साथ एक जान पहचान हो गया, लाइक माई फैमिली है, फैमिली का जैसा हो गया। और मेरा लगता है आने वाले दिन अगर आदमी लोगों के लिए काम करना है, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों के लिए काम करना है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोगों के लिए अच्छी तरह से काम करना है, और अगर हम अच्छी तरह से जो लॉ मेकिंग लॉ मेकर अच्छी तरह से आइन बनाने, जब लॉ मेक होता है, जब आइन बनाया जाता है, तब अच्छी तरह से अगर उसको अमेंडमेंट दिया जाए, अब अमेंडमेंट दोगे, मिनिस्टर रिप्लाई देगा, आपका जस्टिफिकेशन होगा, तो ये अगर अच्छी तरह से एज ए लेजिस्लेटर आप असेंबली में अच्छी तरह से आपका जो करने लायक है, जो चीज़ जो 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 ये 301(54) लाइक दैट रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो हमारा रूल्स बुक्स है असेंबली का, उसके बहुत सारा एक से लेके 300-400 तक धराया है उसमें, अगर ठीक से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो आने वाले दिन मेरा लगता है ये अच्छा नतीजा निकलेगा। देखिए सबसे बड़ा चैलेंजेस है बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज हो गया नावे डेज ऑल ओवर इन इंडिया। ऐसा नहीं है मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं है। थिंक इज दैट जो आपका जो बड़ा जो इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गया। इंडस्ट्री बड़ा कुछ इंडस्ट्री था वो इंडस्ट्री बंद हो गया, नया कोई इंडस्ट्री लग नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है इंडस्ट्री बनाने के लिए। आप नौकरी दो के कितना लोगों को आप उसमें एब्जॉर्ब कर सकते हो, 5%, 2%, 3%, बाकी 95% लोगों को नहीं सकते हो ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करने से वो एक बड़ा चैलेंजेस आ गया है। और नावेडेज मेरा लगता है अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री बनाने में एक बार जून नहीं देगा तो अल्टीमेटली आपका 2 करोड़ नौकरी का भी सवाल है, वो भी नहीं आया। कहाँ पे 2 करोड़ नौकरी है वो नहीं देख सकता है। तो थिंक इज दैट मैं एज ए लेजिस्लेटर मैं पॉलिटिकली बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर युवा पीढ़ी को हम आगे नहीं ले जाएंगे, युवा पीढ़ियों का जो उनका मन में जो सवाल है वो हम आगे लेके नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो थिंक इज दैट युवा पीढ़ी को आगे लेने जाए, सभी युवाओं को, ऐसा नहीं है मैं आई एम फॉर ए पेसिफिक पोलिटिकल पार्टी, तो मैं एक पोलिटिकल पार्टी होने के नाते मेरा जो लाइकिंग है अर्थात मेरा जो मेरा मानने वाले जो लोग हैं अर्थात मेरा दल का जो लोग है अगर उनको ही हम प्रेफरेंस दिया जाएगा तो अल्टीमेटली उसमें अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। सभी को मिलके, सब कास्ट कम्युनिटी सबको मिलकर अगर युवा पीढ़ियों को हम आगे ले जाए तो मेरा लगता है आने वाले दिन में देश का अच्छा होगा। हमारा लगता है डेमोक्रेसी में लगता है यहाँ पे रूलिंग पार्टी भी है ऑपोजिशन पार्टी भी है, और हमारे देश में ऐसा है रूलिंग पार्टी है ऑपोजिशन पार्टी ऑपोजिशन लीडर दिया जाता है, तो आप लोग ऑपोजिशन करो, उसको कैबिनेट रैंक दिया जाता है। ऐसा नहीं है रूलिंग पार्टी चाइना की तरह कुछ हो जाएगा तो कोई बोल नहीं सकता, हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पे स्टेटस दिया जाता है, कैबिनेट रैंक दिया जाता है। लेकिन एक जो बात है अल्टीमेटली ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो अल्टीमेट डेमोक्रेसी में है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट जो होता है वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं होता है। एज ए MLA सब MLA के साथ एक ही तरह बर्ताव किया जाए तो आने वाले दिन में देश के सभी के सबके साथ सबका विकास जो आपका एक नारा है वो अच्छे तरह से होगा। नहीं तो अगर हम चुन चुन के रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ा बात है जो हमारे यहाँ पे सब लोग मिल के हम पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा तो बहुत सारे इंस्टेंस भी है, पार्लियामेंट्री में ये इंस्टेंस है, हमारे विधानसभा में भी एक इंस्टेंस है, तो हमारे बहुत सारे इंस्टेंस है ऐसे, हम सब मिलजुल के जब देश को आगे ले जाते हैं। आज से 20 साल पहले भी बहुत सारे इंस्टेंस है, अभी भी इंस्टेंस चल रहा है, तो सबको लेके एक साथ लेके अगर हम आग बढ़ाई दिया जाए तो हमारा लगता है अच्छा होगा देश का। देखियो आइडियल जो बात है, ऐसे मैं जब छोटा था मेरा जो फीलिंग्स है, मैं जब छोटा था इंदिरा गांधी जी उनके बारे में सुनता रहता था, और बिकॉज ऑफ दैट मैं करीमगंज में रहता हूँ नियरेस्ट बांग्लादेश है, तो पाकिस्तान को भी उन्होंने दो भाग किया था। अभी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को उन्होंने स्वाधीन किया था पाकिस्तान को टुकड़ा करके, फिर आपका जो मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम भी पड़ता है, मिजो लैंड चाहिए मिजो नहीं चाहिए, लाइक दैट वो जो आयरन लेडी जो बोला जाता है, जो उनका जो कुछ सोच और विचार जो है वो जो बात जो करते हैं जो एकदम स्टाउडली,
जो देश के सामने देश को आगे लेने जाने के लिए जो उनका जो मतलब एक ये है शक्ति है ना, तो वो इंस्पिरेशन देता है हमको। और बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ, वो तो ऐसे ही बोला है अगर देश के लिए मेरा खून पसीना भी चला जाए तो ये मेरा लिए गर्व की बात होगा। तो उनका ये जो बातचीत है, मेरा लगता है इंदिरा गांधी जी को जितना हम पढ़े कितना जाने तो हमारे लिए अच्छा होगा और आने वाले पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। मेरा सेकंड टाइम इलेक्शन, जब मेरा सेकंड टाइम इलेक्शन था काउंटिंग चल रहा था। सबसे बड़ा बात है कि काउंटिंग चल रहा था, एक साइड से काउंटिंग होके आया, फिर टाउन में आके मेरा डाउन हो गया, फिर जाके गया। तो मैंने भाई को पूछा, जैसा ऐसा बात है अभी तो 2000 बूथों से हम माइनस चल रहे, अभी 2 GP बाकी है और 2.5 GP 3 GP बाकी है, तो क्या होगा? तो मेरा भैया ने बोला काम नहीं होगा, 3000 बूथों से तुम पीछे हो, अभी काम नहीं होगा, 2000 इस जीपी में 1000 हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो काम नहीं होगा। तो मैंने बोला काम होगा, तू देख लेना काम होगा। तो लास्ट जब गया, लास्ट 3 सेंटर बाकी है, मैं 300 बूटों से मैं पीछे था, फिर 2 सेंटर में गया तो समान हो गया, फिर 2 सेंटर में गया तो 200 बीट से मैं आ गया था। तो सोच लिया, तो और लास्ट 2 सेंटर जो था वो एक सेंटर देर इज़ ए हमारे यहाँ पे 3 पार्टी है, UDF, कांग्रेस और BJP। तो वहाँ पे मोहम्मदन एक सेंटर था और एक बगान का सेंटर में 50-50 हो गया। मोहम्मदन सेंटर जो है वहाँ पे तो BJP का वोट नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे UDF का मिलेगा और कांग्रेस को थोड़ा बहुत मिलेगा। तो मैंने सोच लिया मैं जीत गया और अल्टीमेटली 4068 वोट से जीता। तो ये जो मेमोरेबल जो है मेरा, ये जो मतलब आप भी आज भी रात को मैं सोने में जाता हूँ तो ऐसे गाँव में शरीर में ऐसा हो जाता है सला 460 वोटों से जीता था और कैसा माहौल क्रिएट हो गया था, सब लोग बोल रहा था ये हारेगा, मैं बोला था जीतेगा। तो ऐसा तो अभी भी ऐसा याद रहता है मेरा पॉलिटिकल जर्नी में, ये मेरा एक मेमोरेबल है। और मेरा लगता है ज़िंदगी में जितना बार मैं जिंदा रहूँगा मेरा शेष शास्त्र जब तक रहेगा ये याद मुझको याद रहेगा। मतलब देखिए आजकल युवा पीढ़ी दे आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। हमको मौका देना है। और ऐसा नहीं है हमारा ऐसा बात होता है जेना पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएगा, हम पॉलिटिक्स नहीं करता है लाइक दैट, ऐसा देयर इज़ ए इशू, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करता है, हम पॉलिटिक्स के मेरा सोच विचार नहीं है। अरे पॉलिटिक्स कौन नहीं पॉलिटिक्स करता है, हम फेसबुक में जब स्टेटस देता है लाइक देता है तो पॉलिटिकली लाइक देता है। आप जिस पार्टी को मानते हो उस पार्टी को लाइक देते हो, जो लीडर को अच्छा लगता है उस लीडर को अच्छा लाइक देता है, इसलिए ऑल आर पॉलिटिकल। हम ऐसा नहीं है पॉलिटिकल नहीं है, ऐसा नहीं बात, सब लोग पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स किसके लिए होगा? अच्छे के लिए पॉलिटिक्स होगा। और मेरा मानना है हमारे देश में अगर मतलब जो पार्टी है पार्टी को छोड़ के अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में अगर ले आएंगे तो ये देश का अच्छा होगा। नहीं तो मेरा लगता है अभी जो देश का जो माहौल क्रिएट हुआ है ये तो थिंक इज दैट मेरा एक क्वेश्चन भी है सुबह को जो मेरा लगता है मैं ऑनेस्टी से मैं पॉलिटिक्स करूँ, मेरा लगता है मैं एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन होना चाहता हूँ, लेकिन एक जो बात है सुबह जब नींद से उठता हूँ तो बहुत सारा आदमी होता है, किसी का ऑपरेशन करना हो, किसी का पेट दर्द है, किसी का शादी है, तो लाइक दैट सभी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। पहले तो एक फंड भी था, सुरित फंड था, अभी सुरित फंड भी बंद हो गया, गवर्नमेंट का शायद फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी एक प्रॉब्लम हो गया। लेकिन मेरा मानना है अगर यूथ लोग अगर अच्छे यूथ अगर पॉलिटिक्स में आएगा तो अल्टीमेटली मेरा लगता है ये देश का अच्छा होगा, हमारा स्टेट का अच्छा होगा। और जब तक यूथ लोग नहीं आएगा तो पॉलिटिक्स का सुधार नहीं होगा। अभी देखेंगे तो आप एक बात है यूथ लोग आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनको मौका देना है। और मेरा लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टी अगर यूथ लोगों को मौका देंगे तो आने वाले दिन में एक सुंदर सा माहौल क्रिएट होगा।